उदयपुर जिले के मावली तहसील से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर आरोपी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आरोपी यही नहीं रुका, उसने बच्ची के शव को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। घटना के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं आरोपी के वहशीपन का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को थैली में भरकर 2 दिन तक अपने पास रखा और फिर मौका मिलने के बाद ठिकाने लगाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच चल रही है। ये घटना जिले के मावली थाना क्षेत्र के लोपड़ा गांव की है। SP विकास शर्मा ने रविवार को बताया कि कक्षा 4 में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची 29 मार्च को शाम करीब 4 बजे स्कूल से आकर खेत पर जाने के लिए निकली थी। जब वो खेत पर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उसकी तलाश की। बच्ची के नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने IPC 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान शनिवार देर शाम घर के आसपास तलाश करने पर बालिका के घर से करीब 200 मीटर दूर खंडहर में बोरे में शव के टुकड़े मिले। पुलिस ने सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर MB अस्पताल में भिजवाया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि आरोपी ने इस बच्ची से रेप करने के बाद उसके चाकू से 10 टुकड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। न्यूज डेस्क, अरन न्यूज़।